अटक गई थी करोड़ों देशवासियों की सांसें, स्टेडियम में पसर गया था सन्नाटा, लोग कंडे लगे थे भारत की जीत की दुआएं, दांव पर लगा था देश का सम्मान। फिर रोहित संग प्लानिंग कर हार्दिक पांड्या ने वो कर दिखाया जिसके बाद पूरा देश झूम उठा है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर 17 साल बाद खिताब को जीता। जीत के बाद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां जश्न ना मनाया गया हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इस कदर फैंस झूमकर नाचे जिसे देखकर सोशल मीडिया पर भी तहलका मच गया। बता दें कि पीएम मोदी, राहुल गांधी से लेकर देश की दिग्गज हस्तियों ने भी भारत को जीत की शुभकामनाएं दी। इस महामुकाबले में विदेशी धरती पर टीम इंडिया ने खूंटा गाड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। थकी आंखों को सुकून देने में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों ने अहम योगदान भी दिया। बारबाडोस में खुशी के आंसुओं में डूबा नीला समंदर नजर आया। इतना ही नहीं, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह की खुशी देखते ही बन रही थी। मैच की बात करें तो सूर्य कुमार यादव का एक कैच टीम इंडिया की जीत का टर्निंग प्वाइंट बन गया। दरअसल सूर्या ने बल्ले से तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन आखिरी ओवर में एक यादगार कैच लेकर मैच को पलट दिया। साउथ अफ्रीका को 6 गेंद पर 16 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर विस्फोटक डेविड मिलर था और उन्होंने हार्दिक पांड्या को सामने की ओर खेला और ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री से बाहर चली जाएगी, लेकिन सूर्या बीच में आ गए। उन्होंने 2 प्रयासों में इस कैच को पूरा किया। सूर्या के कैच ने मैच का रुख पलट दिया और उनके इस कैच को 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव और 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्री संत के कैच की तरह याद रखा जाएगा। कपिल देव ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड और श्री संत ने पाकिस्तान के मिसबाह उल हक को कैच लिया था। सूर्या के इसी कैच ने भारत की वापसी मैच में करा दी और टीम इंडिया चैंपियन बन गई। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम ने पहले ओवर में शुरुआत शानदार की, लेकिन दूसरे ओवर में केशव महाराज ने भारतीय फैंस की सांसें अटका दी। रोहित और पंत सस्ते में अपना विकेट दे बैठे, लेकिन दूसरे छोर से विराट कोहली ने खूंटा गाड़ लिया था। विराट ने 59 गेंद में 76 रन की बेहतरीन पारी खेली और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाए। उन्होंने इस दौरान बाबर आजम का T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और इस दौरान कोहली का साथ अक्षर पटेल ने दिया, जिन्होंने चौके छक्कों के साथ आतिशी पारी खेलते हुए 47 रन बनाए और टीम को 176 रन पर पहुंचा दिया। जिसे बनाने में मैदान में उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद नाजुक रही। मैच में क्विंटन डिकॉक 39 रन और ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने 31 रन की शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई। और हालांकि एक छोर पर हेनरिक क्लासेन ने अपनी बैटिंग से मुकाबले को एक तरफा बना दिया। क्लासेन ने ताबड़तोड़ 27 गेंद में 5 छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 52 रन की पारी को अंजाम दिया, लेकिन पांड्या ने अपने तीसरे ओवर में हेनरिक क्लासेन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया और इसके बाद बची हुई कसर जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी। बुमराह ने मार्को यानसन का विकेट लेकर बुमराह ने साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने 2-2 विकेट झटके, वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट देकर टीम इंडिया की झोली में खिताबी जीत डाल दी।